जबलपुर में एनआरसी और सीए का विरोध प्रदर्शन जारी है। जबलपुर के आधारताल इलाके में मुस्लिम महिलाओं ने एनआरसी और सीए का विरोध किया और एक रैली निकाली। सभी का कहना है कि ये देश हित में नहीं है, इसलिए सरकार को वापस लाना चाहिए। एनआरसी और सीए को लेकर यहां पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आधारताल इलाके में एनआरसी और सीए को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। गाजीबाग इलाके में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं जमा हुई, उन्होंने एनआरसी और सीए का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि यह देश गंगा जमुना तहजीब का देश है और केंद्र सरकार इसे बांटने का प्रयास कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो बहनें जो कॉलेजों में, वो खुद हमारे धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देने के साथ हमारी भाई बहनों को ये काले कानून के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में बंटवारा कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे बुजुर्ग जिनको यहाँ पर नहीं रहना था वो पाकिस्तान चले गए, हमारे बाप दादा हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के रहवासी हैं, वो इसी हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। आज हमारा ये कौमी एकता का देश है, आज यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आज यहाँ पर हम मिलजुल कर रहने हैं। आज अगर हम दशहरा त्यौहार मनाते हैं तो हमारा हिंदू भाई बड़ी खुशी के साथ हमारा ईद मनाता है, हमारा क्रिश्चियन भाई अपना 25 दिसंबर मनाता है और हमारा सिख भाई अपना जो है भाई गुरु का जश्न मनाता है। हम सारे लोग मिलजुल कर जब एक साथ रहते हैं तभी हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। बल्कि हम और ज्यादा एहतजाज करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग से हमारा प्रदर्शन शुरू हुआ तो अब पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग बन चुके हैं और ये हमारा गाजी बाग है जहाँ रोजाना दिन में हजारों महिलाएं, रात में हजारों महिलाएं रुक करके अपना प्रदर्शन विरोध कर रही हैं। और मोदी जी और शाह से ये बता देना चाहती हैं कि आप काले कानून को ला रहे हैं लेकिन हम इसके खिलाफ हैं और जब तक ये वापस नहीं हो जाता तब तक हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगे को मांगते रहेंगे। आज आप लोग के द्वारा सामूहिक दुआ का भी एक जी, हम लोगों ने रोजा भी रखा और हम रोजा रख के हम जुमे की नमाज पढ़ के अल्लाह से अपना दुआ करने के लिए आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को सुने और हमारे ऊपर जो मुसीबत आ रही है अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर करे। एनआरसी और सीए जैसे काले कानून से अल्लाह हमें निजात अता फरमाए। कितनी महिलाएं शामिल हुई आज दुआओं में? आज हम लोगों की दुआओं में लाखों की तादाद में हर जगह से, सदर से, नए मोहल्ले से, ओमती से और गाजीबाग रद्दी चौकी और बाहर से भी कई हमारी महिलाएं और हमारी जो है माँ बहनें शामिल हुई हैं और हर धर्म की महिलाएं शामिल हुई हैं और सबने मिल करके अल्लाह से दुआ मांगी।